taking everyone's love remembrances. सभी का याद प्यार लेकर जब मैं बाबा को भोग स्वीकार कराने गई और साथ साथ बाबा से दृष्टि ले रही थी, तो हम जैसे आपस में स्नेह और दृष्टि बांट रहे थे, तो बाबा जैसे प्यार के सागर के रूप में थे तो हम भी जैसे बाबा के प्यार में समाए हुए थे, खोए हुए थे, तो बाबा ने भोग स्वीकार किया और पर बाबा बहुत ही गहरी शांति में थे, बस दृष्टि दे रहे थे। फिर बाबा ने कहा, इस समय पर सभी बच्चे, ज्यादातर सभी बच्चे सोच रहे हैं कि क्या होगा भविष्य में, क्या होगा भविष्य, कैसा होगा। तो बाबा ने कहा कि बाबा ने तुमको बताया है कि ये संगम युग है और हम सत्युग की तरफ जा रहे हैं, परंतु जब बच्चे बाहर की परिस्थितियों को देखते हैं तब ये प्रश्न सूक्ष्म रूप से आता है कि क्या होगा, कितनी देर तक ये चलेगा, आगे क्या, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो बाबा ने कहा, इस समय पर, वर्तमान समय पर, जो सबसे ज्यादा जरूरी बात है बच्चों के लिए पुरुषार्थ के रूप में, वो ये कि अपनी बुद्धि को बहुत बहुत शुद्ध रखें और साथ साथ पूरी एकाग्रता हो, जिसको एकाग्रता कहते हैं, मोहिनी दीदी हिंदी में भी बता रहे हैं। और बाबा ने कहा, ये जो शुद्ध बुद्धि है उसमें कोई भी एक भी संकल्प पास्ट का ना हो, अतीत का ना हो, ना ही भविष्य का हो, और परंतु जो बुद्धि है वो बाबा के साथ हो, सदा बाबा के साथ। तो बाबा ने कहा, ये जो अभ्यास है ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बहुत लाभदायक है, क्योंकि बाबा ने कहा जैसे स्थिरता के लिए, बुद्धि की स्थिरता के लिए आपको याद की शक्ति चाहिए होती है, आपको निश्चय की शक्ति चाहिए होती है, आपको पवित्रता की शक्ति चाहिए होती है, और इन शक्तियों से क्या होता है बुद्धि में, ये आपको बहुत स्थिर रखते हैं और आपको ऐसा लगेगा कि आपका जो गाइड है वो आपको हर कदम पर गाइड कर रहा है। तो सदा याद रखें कि बाबा जो कि मेरा गाइड है वो मेरे साथ है, तो एक भी सूक्ष्म प्रश्न भी नहीं होना चाहिए, पर सदा ये याद रखें कि बाबा मेरे साथ है और मेरा गाइड है। तो बाबा ने कहा, आप सब बच्चे, आप पर दो जिम्मेवारियां हैं वर्तमान समय में। पहली जिम्मेवारी है कि आप सबको सहारा दें, पालना दें बाबा के बेहद के परिवार को, सहारा भी दें, पालना भी दें, दोनों दें, एक दूसरे को, एक दूसरे के लिए भी सहारा बने, और इस तरह से एक दूसरे को, एक दूसरे से बांटे चीजें, जैसे पालना हो जाए। और दूसरी बात जो बाबा ने कही कि आप पर ये भी जिम्मेवारी है जो कि स्थापना की जिम्मेवारी है, सत्युग की, नई दुनिया की स्थापना,
जिससे कि दुनिया सत्वप्रधान बन जाए। तो आपको दोनों जिम्मेवारियों को पूरा निभाना है। तो बाबा ने कहा, चाहे कोई भी आत्माएं आपके संपर्क में हैं, जो भी आत्माएं आपको जानती हैं, चाहे वो लौकिक में हैं, कोई भी कहीं भी, तो जैसे कि वो ढूंढ रहे हैं, उनको चाहिए शक्ति, सहारा। तो हाँ, तो तब स्थापना का कार्य पूरा होगा। तो ये तो दो जिम्मेवारियां हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप उसके लिए बुद्धि की स्थिरता हो, बुद्धि स्थिर हो, और संकल्प ये हो कि गाइड मेरे साथ है, बाबा सतगुरु सुप्रीम गाइड मेरे साथ है। तो बाबा ने कहा, इस तरह से आप एक अच्छे निमित्त बन जाएंगे, इंस्ट्रूमेंट बन जाएंगे, और फिर आप यथार्थ सेवा कर सकते हैं। और हमेशा ये कहो और देखो कि दूसरे को भी अच्छा मौका मिले, जिससे कि आप अपना समय, अपनी विशेषताएं, जो भी कोई भी आपके पास रिसोर्स है, आप उसको, साधन है, उसको सफल कर सकें, बेहद में सफल कर सकें। क्योंकि ये वो समय है जिसमें कि जितना ज्यादा आप हर चीज को सफल करेंगे, सही तरह से यूज करेंगे, तो हर एक को थोड़ा थोड़ा सहयोग तो चाहिए। तो चाहे वो देह के आधार पर हो, शरीर के आधार पर, या धन के आधार पर, तन हो या धन, या आपके श्रेष्ठ संकल्पों के आधार पर हो, या किसी विशेषता के आधार पर हो, तो ये वो समय है जब आप उसको भरपूर यूज कर सकते हैं। अपने आप को हद में नहीं लाओ, बाबा ने कहा, बेहद में जाओ, हद में नहीं लेके आओ अपने आप को। तो फिर बाबा ने कहा, मैंने बाबा से कहा, बाबा आज कईयों का जन्मदिन भी है, उन्होंने भी याद प्यार भेजा है, गायत्री बहन ने अंकल के लिए, और परिवार में कई भाई बहनों ने जिनका जन्मदिन है, उन्होंने याद प्यार भेजी है। तो बाबा ने कहा कि जो, हाँ, वो बहुत अच्छा बच्चा था, वारिस बच्चा था, और पूरा परिवार सब में बहुत सुंदर विशेषताएं हैं वारिस बनने की। और फिर सबकी याद प्यार दी उन सभी बहनों की, जिन्होंने, जो दादी गुलजार का ध्यान रख रही हैं अभी। तो बाबा बहुत बहुत प्यार दे रहे थे उनको, जैसे कि गले लगा रहे थे सबको बहुत प्यार से, जैसे वरदानी हाथ था बाबा का उनके लिए। और जो भी बाबा ने कहा वो मैं कल भी बताऊंगी, पर बाबा ने बहुत बहुत याद प्यार दिया, और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं इतनी हल्की हो गई हूँ जैसे एक फूल हो। बहुत बहुत हल्कापन लग रहा था, मुझे भी इस चीज का बहुत आश्चर्य हो रहा था। जैसे बाबा ने मुझे खींच लिया, मैं बाबा के साथ थी, बहुत हल्कापन था। फिर बाबा ने मेरी तरफ देखा और बोला कि आप ऐसी बुद्धि के साथ तैयार हो? तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे नहीं लगता। तो बाबा ने कहा, क्यों? तो मैंने कहा, हाँ, मैं स्थिर हूँ, मेरी बुद्धि में शक्ति है, पर मुझे अभी भी जो अतीत है उसको, पास्ट को पास्ट हो जाए, अवे,
उससे मुझे अभी थोड़ा दूर होना है। कोई भी ऐसा संकल्प ना हो, किसी भी ऐसी बात का प्रभाव ना हो, उसके लिए मुझे भी करना है। तो बाबा ने मुस्कुराया और बाबा ने कहा, आप सदा ये महसूस करो कि बाबा क्या सुरक्षा की छत्र छाया सदा आपके ऊपर है। तो सदा अपनी बुद्धि को ये याद दिलाओ कि मेरे ऊपर सुरक्षा की ये छत्र छाया है जो बाबा ने मुझे दी हुई है। और बाबा ने फिर बहुत बहुत प्यार दिया, याद दी सभी के लिए, आप सभी के लिए और जिन्होंने भोग ऑफर कराया था सबके लिए। जानकी के डायमंड वर्ड्स। जैसे बाबा ने कहा, ये बाबा कहते हैं मैं भगवान नहीं हूं पर भगवान के समीप हूं। देखो बाबा कितना सुंदर शब्द बोला, भगवान नहीं हूं, अपने आप सभी कुछ करके अपन आप छुपाया, तो जिसके द्वारा कराया किया किसने, किया इसने कराया उसने, तभी तो हमने कर्ण करावन हार के राज को जाना। कैसे वो हमारा बाप कर्ण करावन हार है, ये कहता है वो सब कुछ करता है, वो कहता है ये करता है। हमको कई बार इसी एक शब्द से ही अंदर से हंसी आती है। हम कहते हैं शिव बाबा के भंडारे से ब्रह्मा भोजन खा रहे हैं। क्या नाम लिया? शिव बाबा का भंडारा। यज्ञ किसका? शिव बाबा का भंडारा, और खा रहे हैं ब्रह्मा भोजन। ज्ञान सागर का ज्ञान सुन रहे हैं ब्रह्मा मुख से। शिव बाबा है ज्ञान का सागर, परंतु ज्ञान का सागर शिव बाबा बीज रूप निराकार वो कैसे देवे? तो ब्राह्मणों को इसका बड़ा अच्छा ईश्वर के अंत का पता है। ये कहता है मैंने तो यज्ञ रचा, यज्ञ तो बाबा ने रचा, तो यज्ञ की संभाल किसको करनी है? ब्रह्मा और उसके बच्चे ब्राह्मणों को। ओम शांति, वेलकम टू अव्यक्ति परिवार। ओम शांति, भूमि बहन कह रहे हैं आप सबका स्वागत है अव्यक्ति परिवार में। तो आज चौथा दिन है डायमंड दादी जो हम सीरीज कर रहे हैं उस पे। तो आज का है बहुत बड़ी सुरक्षा, महान सुरक्षा और प्यार का आदान प्रदान। अब हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे।
कोई नहीं दीदी, कभी उठे। ओम शांति। दादी के कुछ शब्द सुनकर ही कितना स्पष्ट था हमको ये समझाने के लिए कि हमें समझ आए कि हमारे बाबा और दादा, बाप दादा की जिम्मेवारी क्या है और उनका कॉन्सेप्ट क्या है, उसमें कैसे दोनों एक दूसरे के साथ है। शिव बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा यज्ञ की पालना कर रहे हैं और ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि शिव बाबा ने यज्ञ की रचना की है। तो ये जो स्पष्टता है हमारी बुद्धि में उन दोनों के रोल की, उन दोनों का पार्ट क्या है, उससे हमें एकदम स्पष्ट मत मिलती है, रास्ता मिलता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि हमारा संबंध क्या है बाप दादा के साथ। प्यार शिव बाबा के साथ, पर ब्रह्मा बाबा के साथ भी स्नेह है और फिर बाबा के यज्ञ के साथ स्नेह, और यज्ञ में ब्रह्मा भोजन के साथ प्यार सबसे जरूरी है, सबसे महत्वपूर्ण। तो जब मैं दादी को सुन रही थी तो कितनी शक्ति आती है ना दादी के शब्दों से, बहुत शक्ति का अनुभव होता है। अवर सिक्योरिटी, अवर कंफर्ट, हमारी सुरक्षा, हमारा आराम, हमारा बचाव दोनों से है, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों करते हैं हमारी सुरक्षा, क्योंकि हम शिव बाबा के बच्चे हैं और याद के द्वारा हम अपने कर्मों का हिसाब किताब चुकतू कर रहे हैं। ज्ञान और याद की शक्ति से हम सेवा कर रहे हैं, श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं, तो इसमें हमारी सुरक्षा है, क्योंकि श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर जो मैं अभी कर रही हूँ वो हमको सुरक्षित भी रखते हैं और शिव बाबा हमें शक्तियां देते हैं, सुरक्षा देते हैं। और जैसे कि बुद्धिमान बड़े व्यक्ति के रूप में जो ब्रह्मा बाबा हैं, तो उनका जो उदाहरण है कि कैसे वो शिव बाबा के साथ काम करते हैं, कैसे वो दोनों एक साथ थे, कैसे इतने सहयोगी थे शिव बाबा के साथ, नम्रता कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, शिव बाबा है कराने वाला सब कुछ। तो दादी जानकी भी उनका जो वो सच्चा प्यार था दोनों के लिए और वो जो स्नेह था वो उनकी शक्ति थी, उनका साहस था कि वो फॉलो कर पाई और किया जो बाबा उनसे कराना चाहते थे। उन्होंने कभी हदों के बारे में नहीं सोचा कि ये मेरी हद इतनी है, क्योंकि जो भी बाउंड्री थी वो कुछ भी ऐसा नहीं था जिसमें मैं और मेरा हो, जैसे ब्रह्मा बाबा उसी रूप में सेम। उन्होंने कभी नहीं कहा मैं मेरा, ऐसी दादी भी थी। और प्यार, बाबा का प्यार, भगवान का जो प्यार है वो उनके जैसे उनकी एक एक नस में था, एक एक नस में था, पूरी गहराई से समाया हुआ था वो प्यार उनको उनमें। तो जहाँ प्रेम होता है, शिव बाबा से प्यार, यज्ञ से प्यार, परिवार से प्यार, तो क्या बन जाएंगे ना, प्यार की मूरत बन जाएंगे, स्नेह की मूरत बन जाएंगे। तो दादी
दादी का एक बहुत ही प्यारा पहलू था, बहुत महत्वपूर्ण पहलू, कि उनका सच्चा प्रेम, निरंतर प्रेम सबके लिए। उनको किसी को प्यार देने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता था, सहज था उनके लिए, स्वाभाविक था सबके लिए, सबके लिए। तो वो सबकी महिमा करती थी और सदा सबको मदद करती थी आगे बढ़ाने के लिए, कि जितनी जिसमें क्षमता है उतना उसको आगे बढ़ाती थी, उनको सिखाती थी कि कैसे स्वमान में रहना है। तो स्नेह जो उनको प्राप्त होता था वो उसकी मूरत बन गई। बाप दादा की जो पहचान उनको थी और फिर उसके साथ साथ जो उनको संपूर्ण निश्चय था, सदा ये अनुभव करना कि परमात्मा का प्यार क्या है, बाप दादा का प्यार क्या है, भले कोई नया हो जिसने कभी दादी से मिला नहीं हो, वो भी दादी से बहुत स्नेह का अनुभव करता था। उनका यज्ञ के लिए प्यार और बाप दादा के लिए प्यार और ब्रह्मा भोजन के लिए जो सम्मान था उनके मन में, और जो टोली वो बांटती थी सबको। एक बार हम मेक्सिको में थे और हम आ रहे थे, तो उस समय बहुत सारे बाबा के बच्चे एयरपोर्ट आया करते थे, तो हंसा बहन हमेशा बहुत सारी टोली लेकर चलती थी एक बड़े बड़े बॉक्स में, तो दादी दिया करती थी। लेकिन उस समय अगर कुछ देशों में लोगों में कोई भावना हो, तो जैसे कोई सामान उठाने वाले हैं, कर्मचारी हैं, तो उस समय या फिर जो कस्टम इमिग्रेशन वाली जगह पर पहुंचते थे, तो वो जब होते थे तो उनको भी टोली चाहिए होती थी, उनको लगता था हमें भी टोली मिले। तो जब सब कुछ खत्म हो जाता था तो हंसा बहन उनके हाथ से खाली बॉक्स लेना चाहती थी, तो दादी कहती नहीं मैं नहीं दूंगी, तो वो कंटेनर वो हमेशा पकड़ के ही रखती थी। और हम मुस्कुराते रहते थे उसे देखकर, कि उन्हें टोली बांटने का इतना रहता था कि क्या पता कब कौन आ जाए, कब क्या पता कौन आ जाएगा, इसको अंदर नहीं रखना, इसको अंदर नहीं रखना। और मुझे वो सीन कभी भूलता नहीं है, मोहिनी दीदी कह रहे कि मैं नहीं भूलती। तो हमने दादी को बोला, दादी हो गया ना, सबको दे दिया। तो दादी कहती नहीं नहीं नहीं, इंतजार करो, इंतजार करो अभी। तो ये एक कितना साधारण सा व्यक्तित्व है ना, कि ये सिर्फ ऐसे नहीं, कोई आम बात नहीं है कि मुझे टोली देनी है, नहीं, ये उनकी भावना है कि ये भंडारे का है, बाबा के भंडारे का है। टोली कितनी पवित्र है। हम जब बहुत नए थे तो हमें लोग बुलाया करते थे बड़ी कॉन्फ्रेंस वगैरह में। तो एक बार हम गए तो वहां 700-800 लोग थे, यूएन के एक प्रोग्राम में 700-800 लोग थे। तो दादी आई, क्योंकि हमने दादी को निमंत्रण दिया था, तो अभी ये बड़ा प्रश्न था, दादी आई है तो टोली तो चाहिए होगी। तो हमने सोचा कि अरे इतने बड़े बड़े लोग हैं, डिप्लोमेट्स हैं, ऑफिसर्स हैं, तो हम वहां जाके थोड़ा टोली बांटने लग जाएंगे, कैसा लगेगा, तो वो समझेंगे ये लोग ये क्या कर रहे हैं, टोली बांट रहे हैं, तो उनको समझ नहीं आएगा। तो हमने सोचा कि चलो हम दादी से पूछते हैं, दादी का विचार जानते हैं। दादी हम टोली लें, क्या हम टोली बांटेंगे, हमें उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो दादी ने कहा तुम बनाओ तो जरूर, हम लेकर तो जरूर जाएंगे, लेकिन अगर मौका मिला तो हम बांटेंगे भी। तो आश्चर्य की बात है कि इतने अच्छे से सब ने वो लिया,
इतने बड़े बड़े लोग वो लाइन में खड़े हो गए टोली लेने आए दादी से, तो मैं सिर्फ बता रही हूँ कि उनका कितना भगवान के लिए प्यार था, भावना थी, और यज्ञ के लिए जो स्नेह था, और शिव बाबा के भंडारे के लिए जो प्यार था। तो इस भंडारे से बहुत बहुत सारी आत्माओं को जैसे मिले, बहुत प्राप्ति हो, चाहे एक एक कण भी सबको मिले, ऐसी दादी की भावना होती थी। परंतु साथ साथ उनका जो स्नेह था, बिना किसी अपेक्षा के, उनको किसी से कोई अपेक्षाएं नहीं होती थी, एक्सपेक्टेशंस नहीं होती थी। आप जैसे कई बार लोग होते हैं ना, तो बोलते हैं ओ मैं इसको इतना प्यार करती हूँ, तो उसके लिए कुछ ना कुछ सूक्ष्म रूप में इच्छा होती है कुछ प्राप्ति की। पर ये जो भावना थी आराम की, सुरक्षा की, बाबा के बनने की, और हम बाबा को फॉलो भी करते हैं, हम श्रेष्ठ कर्म भी करते हैं, सेवा भी करते हैं सदा, तो ये जो श्रेष्ठ कर्म है उस आधार पे हम सदा सुरक्षित हैं, और बाबा का वरदानी हाथ सदा हमारे ऊपर है। तो ये कुछ दिन इतने अच्छे दिन हुए ना, इतनी शक्ति का अनुभव हुआ कि हमें भी लगा कि हम बाबा के बहुत समीप हैं, और बाबा का बहुत बहुत प्यार भी अनुभव हुआ, जैसे कि हम अलग नहीं हैं, बिल्कुल एक क्षण के लिए भी अलग नहीं हैं। तो आप सबको ऐसा अनुभव हुआ, ऐसा होता अनुभव, जैसे दादी हमारी पूर्वज आत्मा के रूप में उन्होंने हमें अब कितनी सेवा की है, अथक सेवा, अथक सेवा। उन्होंने कभी भी किसी चीज को, किसी आत्मा को ऐसे नहीं कि ये नहीं कर पाएगा, ऐसे कभी नहीं किया, छोड़ा नहीं किसी को। वो कहाँ करती थी, वो परमात्मा के घर पर आए हैं, असाइलम में आए हैं, और अगर हमारी वजह से कोई भी वापस जाता है रावण की कैद में, रावण के राज्य में अगर कोई भी वापस जाता है, आप ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको सदा प्यार करना है सबको, सबके लिए प्यार हो, चाहे कई बार कई रूल भी होते हैं, कई चीजें, बहुत सारी बातें ना, मर्यादाएं, कई डिसिप्लिन, पर वो भी करना कैसे है, बहुत प्यार से, जोर से नहीं, अथॉरिटी से नहीं, बहुत प्यार से। एक बार कोई दादी से पूछ रहा था कि आप कुछ भी कहते हो किसी को महसूस नहीं होता, क्योंकि दादी ने कहा क्योंकि मैं महसूसता से परे हूँ, मैं उससे परे हूँ, तो जैसे अगर मैंने किसी के बारे में कुछ सुना और अगर मैं वो भावनाएं अपने मन में रख लूं उस व्यक्ति के बारे में, तो अगर फिर मैं कुछ बोलूं तो फिर वो उसको टच होगा, लेकिन क्योंकि मैंने अपने अंदर कुछ होल्ड किया हुआ है, कुछ पकड़ा हुआ है उसके बारे में, परंतु अगर मैं सोचूं हाँ ये ड्रामा है, हो गया बस खत्म, लेकिन मुझे सही रास्ता दिखाना उसको, तो फिर मैं बहुत बहुत प्यार से करती हूँ। कई बहुत जोर से करते हैं, अथॉरिटी से कराते हैं कि मैं निमित्त हूँ, मैं ड्यूटी पर हूँ, मेरा काम है, ऐसे तो दादी ने कभी ऐसे नहीं किया। तो कुछ न कुछ किसी तरह की प्रतिक्रिया आती थी, और संबंध इतने प्यारे नहीं हो पाते। तो हर चीज बहुत प्यार से करना, प्रेम स्वरूप बनना। तो मुझे याद है इंग्लैंड में हम दो होते थे, तो दादी किचन में आई, और दादी को तो आप लोग जानते ही हैं, वो किचन में आके बहुत खाना बनाया करती थी। मैं थी और डॉक्टर निर्मला दीदी, निर्मला दीदी थी वहां, तो हम एक या दो चीजें बनाया करते थे बांटकर, और दादी किचन में आती थी कई बार, तो कहती थी मैं कुछ बनाऊंगी,
उनको जब भी कैसे होता था, बिल्कुल परफेक्ट टेस्ट चाहिए। तो मैं अपने हिसाब से अच्छा बनाती थी, तो लेकिन वो कहती थी नहीं, इसमें थोड़ा ये डालो, थोड़ा ये डालो। इसलिए नहीं कि खाने के स्वाद के लिए नहीं, पर इसलिए क्योंकि उनको स्नेह था, सम्मान था कि जो भी आप बना रहे हो वो अच्छा बनना चाहिए। तो स्नेह, स्नेह, स्नेह से बहुत भरपूरता आती है। तो आप सोचेंगे और बस वो वहां होगा। ये परमात्मा का प्यार जो उनको था, और मैं समझती हूँ हम सभी को है, बस थोड़ा हमको देखना है कि उतना शक्तिशाली है, सच्चा है। तो वो कहा, दादी कहती थी कि बस एक संकल्प लाओ कि यज्ञ में क्या चाहिए। वो बहुत ऐसे हंसी में कहा करती थी कि आपको जो भी कुछ भी जो भी चाहिए यज्ञ के लिए, बस एक संकल्प करो और यज्ञ से प्यार करो। यज्ञ के प्यार होगा तो वो अपने आप आएगा। तो दादी के प्यार के बारे में सोचो, अपने बारे में, और उन्होंने यज्ञ की सेवा कैसे की। चाहे वो ज्ञान सुनाती थी तो उसमें भी बहुत प्यार होता था। ऐसे नहीं कि जैसे कि मैं कोई भाषण करने वाली हूँ और लोगों को कुछ समझाने वाली हूँ, ऐसे नहीं। एक बार लंदन में हम लोग सब कोर्स कराया करते थे वहां पर, तो हम देखते थे दादी कैसे एक कोने में बैठी होती थी और किसी को भी अपने पास बुलाकर कहते थे तो कि आत्मा क्या है, ये मन है, ये बुद्धि है, ये संस्कार है, ये आत्मा है। और उन्हें बहुत पसंद था सुनाना और किसी को भी समझाना। तो उनका जो स्नेह था उसको, वो जैसे वो जो ज्ञान देती थी वो निज ज्ञान था, निज ज्ञान। ऐसे नहीं कि बहुत सारा समझाना, उदाहरण देना और फिर उसको उदाहरण दे दे के समझाना, ऐसे नहीं दादी समझाती थी। दादी ऐसे समझाती थी और हमको भी कहती थी कि निज ज्ञान दो सबको, जैसा है वैसा दो, क्योंकि उसमें सच्चाई है, उसमें शक्ति है। तो उनका जो प्यार था बाबा के लिए, वो उतना ही बाबा की पढ़ाई देने में भी उनको प्यार था, बाबा की मत पर चलने का भी उतना ही प्यार था, श्रीमत का, बाबा की फॉलो करने का भी उनको उतना ही प्यार था। बहुत ही निराला अनुभव था उनके साथ, जो दादी का हमने उनके प्यार का देखा, जो कि ईश्वरीय था, पवित्र था, बेहद का था। जितनी वो प्यारी थी उतनी ही न्यारी थी। तो वो कई बार यहाँ आया करती थी, तो जब वो गाड़ी में बैठती थी तो अगर मैं गुड बाय करने जाऊंगी तो वो तो बस चली भी गई है, वो पीछे नहीं देखती थी कभी मुड़कर। मेरा काम हो गया, चलो अब मैं जा रही हूँ, ऐसे। बहुत सुंदर विशेषता थी उनकी, जहां मैं हूँ वहां मैं हूँ, बस सेवा की, उसके बाद जब गए तो मैं वहां नहीं हूँ। तो बहुत सुंदर तरीका है ज्ञान को धारण करने का, और वो सब स्नेह के आधार पर, बहुत ही आराम से, स्वाभाविक और प्यारा प्रेम, सहज प्रेम, और किसी भी प्रकार के प्रभाव से परे। और ये जो बहुत अच्छी उनकी एक दूसरे के साथ प्यार से रहने की जो विशेषता थी, उससे कईयों का बहुत फायदा हुआ, कई लोग परिवर्तन हो गए दादी के लिए, वो उस सम्मान के आधार पर। जैसे ग्लोबल हॉस्पिटल में उनको जैसे पता चला, तो वो हर थर्सडे को तो वो कुछ ना कुछ भोग का अमृत और टोली लेकर जाया करती थी और सबको मिलती थी वहां पे। तो जैसे उनकी वो तीर्थ स्थान था जाने के लिए, हॉस्पिटल, ग्लोबल हॉस्पिटल,
तो वहां ब्राह्मण और लौकिक लोग भी होते थे, हर कोई, लेकिन हर एक को वो देती थी अमृत भी और भोग टोली भी। तो वो नर्स भी थी, लेकिन उन्होंने वो प्यार को सदा कायम रखा। ऐसे हॉस्पिटल में जाते, जब हम इंग्लैंड में थे तब भी, एक बार मैं बता रही थी ना कि गायत्री बहन के जो पापा थे, फादर थे, उनके दो हार्ट की सर्जरीज हुई थी एक, और दोनों बार जब उनकी सर्जरी हुई तो दादी वहां पर थी, क्योंकि हर बच्चा, विशेष रूप से जब शरीर ठीक नहीं है, तन की कोई बीमारी है, तो वो जानती थी कि ये कैसा महसूस होता है। तो दादी जरूर जरूर जाया करती थी और पूछती थी, क्या चाहिए आपको, कुछ चाहिए, उनको टोली देती थी, उनके लिए खाना ले जाती थी, बहुत बहुत ध्यान रखती थी। तो दादी के लिए बहुत बहुत प्यार। और सोचें हम दादी के बारे में, दादी के बेहद और शुद्ध और पवित्र लव के प्यार के बारे में। ओम शांति। तो अभी भूमि बहन कह रहे हैं, अब हमारा मनन चिंतन का समय है, मंथन करने की कला। तो अभी शिरीन बहन आएंगे। ओम शांति। ओम शांति। गुड इवनिंग सभी को। बहुत ही सुंदर सेशन था मोहिनी दीदी के साथ, और जिसके बारे में मैं अभी भी सोच रही हूँ, वो भोग में से जब मोहिनी दीदी कह रहे थे कि उनको ऐसा महसूस हुआ कि मैं इतना हल्की हूँ जैसे कि फूल होता है, तो मैं सोच रही थी कि मेरा भी यही लक्ष्य है। तो अमृत वेला मैं कल इस लक्ष्य के साथ रखूंगी, तो मुझे भी ये अनुभव करना है, हल्कापन, फूल की तरह। तो एक बार एक समय था जब, जिसका मुझे आज के सेशन से मुझे बहुत फायदा हुआ है, पर एक बार क्लास में मेरे साथ ऐसा हुआ था कि दादी ने कहा कि जो शिक्षाएं हैं वो आत्मा का भला करती हैं जब आत्मा सुरक्षित रहती है शिक्षाओं से। तो आज जब मैं इसके बारे में सोच रही थी कि जब हमें सुरक्षा का अनुभव होता है बड़ों से, तो आप कैसे, तभी हो सकता है जब हम श्रीमत पर चलें। तो आज पूरा दिन मैं अपने आप को कह रही थी कि कौन सी वो सुंदर शिक्षाएं हैं जो मुझे सुरक्षा का अनुभव करा सकें। तो ये है कुछ सुरक्षाएं, हमारे कुछ ऐसी शिक्षाएं जिससे हमें सुरक्षा मिलती है। तो पहला है ये प्यार भरी शिक्षाएं। तो ये ऐसे नहीं कि पढ़ाई पढ़ाई नहीं, सिर्फ जिसमें प्यार भरा हुआ हो, जैसे दादी ने हमसे प्यार बांटा, या दीदी हमसे प्यार बांटती हैं, या जो बाबा हमको प्यार करते हैं। तो पहली है बाप और दादा का जो स्पष्ट अंतर है वो समझना, तो उससे भी हमें सुरक्षा मिलती है। तो उनका वो स्पष्टता होनी चाहिए हमें दोनों के पार्ट की, और वो जो सुरक्षा है वो हमें उन दोनों से मिलेगी फिर। और दूसरा है जो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो ये कि याद के आधार पर हम अपने कर्मों का खाता चुकता कर सकते हैं, और जब भी कोई कर्मों का खाता आता है तो हमें कोई व्यर्थ संकल्प नहीं होना चाहिए। तो वो भी एक बहुत सुंदर शिक्षा है। और अगला है कि हमारी जो श्रेष्ठ कर्म है वो हमें सुरक्षित करते हैं। तो ये नहीं कि जो हमारा कर्मों का खाता है वो हमको चुकता करना है, नहीं, साथ साथ हमें जो श्रेष्ठ कर्म करने हैं उससे भी चुकता होता है हमारा खाता। और कैसे दादी का जो प्यार था बाप दादा दोनों के लिए, उसकी वजह से वो कितनी साहसी थी दादी, और उनके साहस का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और ये वाली जो शिक्षा है ये बहुत अच्छी है कि
ये जानना कि मैं कौन, कोई मैं और मेरा नहीं, मैं और मेरा कुछ भी नहीं, और ये बहुत जरूरी है हमारी सुरक्षा के आधार पे हमें समझना, मैं और मेरा ये नहीं होना चाहिए। और दीदी जैसे बता रहे थे कि वो कितना यज्ञ से प्यार करती थी, परिवार से प्यार करती थी, तो ये बहुत सच्ची बात है, ये बहुत स्वाभाविक था उनके लिए, और उनको कोई किसी से कोई अपेक्षा नहीं रहती थी, और उनको कभी उन्होंने किसी को गिव अप भी नहीं किया कि ये नहीं कर सकता कुछ भी। तो ये जो सच्चा और स्वाभाविक प्यार था दादी का, वो भी हमारी सुरक्षा है। और ये वाला जो मैं अब बता रही हूँ, ये मेरे दिल के बहुत पास है, वो ये कि टोली और ब्रह्मा भोजन, तो हमें बहुत प्यार और सम्मान होना चाहिए टोली और ब्रह्मा भोजन के लिए। और ये नहीं कि हम ब्राह्मण हैं तो हमें सिर्फ सैलड खाना है, नहीं, तो हमें वो सम्मान रखना चाहिए भोजन के लिए, ब्रह्मा भोजन के लिए भी, और उससे भी हमारी सुरक्षा बहुत होती है। और कई बार मेरे से दादी ने ये भी कहा है कि, और मुझे बहुत पसंद भी है, क्योंकि दादी हमेशा निज ज्ञान की बात करती थी कि हमें बहुत प्यार होना चाहिए निज ज्ञान से, उसको किसी तरह से हमें ये उदाहरण देके और ये सब करके उसको ऐसे नहीं करना है कि नहीं, उसको निज ज्ञान दे जैसा हमको मिला है। तो जब हमें प्यार होगा निज ज्ञान से तो वो हमारी सुरक्षा बन जाएगा। और आखिरी है कि कैसे कितना हमें दादी कितनी प्यारी थी, और कितने मुझे याद है एक बार दादी पीस विलेज में थी, और जैसे ही वो गाड़ी में बैठी तो आप देख सकते थे कि बस दादी बिल्कुल न्यारी थी, वो बहुत प्यार, प्यार सबको बहुत प्यार देगी, बहुत प्यार देगी हर एक आत्मा को। तो हर एक ने वो अनुभव किया, लेकिन मैंने देखा जैसे ही वो गाड़ी में बैठी तो वो एकदम न्यारी हो गई, तो मैंने ये खुद अनुभव किया है। तो इससे भी सुरक्षा मिलती है जब आप बिल्कुल प्यारे और बहुत न्यारे बन जाओ। अच्छा, ओम शांति। तो ये कल के लिए है जो अभी स्लाइड सामने आई है, प्यार का लेन देन, प्यार का आदान प्रदान, प्यार का लेन देन बहुत ही सूक्ष्म रूप से बहुत ही महान चीज है। प्यार का आदान प्रदान लेन देन सूक्ष्म रूप में करना बहुत ही महान चीज है, बहुत ही महान बात है। तो ये जो ये कितने सुंदर दादी के स्नेह की एक पिक्चर है, तो वो प्रेम की मूर्त थी, दादी बहुत ही प्यारी थी, बहुत ही प्यारी। ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। Sister Shirin, that was brilliant. Shirin Ben, बहुत अच्छा था, और आपने कितने सुंदर पॉइंट शेयर किए। तो कितने सुरक्षा, आराम हमें प्रेम से प्राप्त होता है, क्योंकि अगर हमें प्यार का कमी होगी तो हमें सुरक्षित महसूस नहीं होगा, तो उसमें हमारी सुरक्षा है। तो बहुत ये हमारी सुरक्षा और हमारे आराम से जुड़ा हुआ था, और साथ साथ प्यार भी, क्योंकि जो प्यार की वाइब्रेशन है, ऊर्जा है, वो हमारी सुरक्षा है। तो एक जो उदाहरण है जो बाबा हमेशा देते हैं मनन चिंतन के बारे में, वो ये, बाबा हमेशा गाय के बारे में बताते हैं ना, गाय कैसे जुगाली करती है, तो गाय कैसे खाती रहती है और फिर एक कोने में बैठ के पूरा दिन जुगाली करती है, उसको चबाती रहती है, चबाती रहती है, और इस आधार से दूध बनता है। तो ऐसे ही हमको भी एक या दो पॉइंट लेना, फिर उसके बारे में चिंतन करना, चिंतन करते रहना, तो सुरक्षा को महसूस करना, शक्ति को महसूस करना। और जो दादी ने भी कहा ना निज ज्ञान के बारे में, पर वही उनकी
चिंतन था, तो लंदन में जैसे हम एक साथ होते थे, तो 4 बजे वो अपनी चर्निंग शेयर करती थी, अपनी चिंतन शेयर करती थी। तो ये बहुत जरूरी है निज ज्ञान को देखना, पूरा दिन उसके ऊपर चिंतन करना, और फिर उसको चिंतन करके शक्ति में परिवर्तन करना, गुणों में परिवर्तन करना। फिर ऐसे नहीं लगेगा कि हम ज्ञान दे रहे हैं, फिर वो सत्य लगेगा क्योंकि आपने उसको अनुभव किया है, प्रयोग किया है। तो दादी का ज्ञान के बारे में कहना वो निज ज्ञान तो है, परंतु साथ साथ जैसे मक्खन निकल रहा है ना, तो जैसे उसकी हमने शक्ति को धारण किया है, और जैसे कि हमने दादी के कुछ शब्द सुने, लेकिन कितने शक्तिशाली थे, कितना एकदम शक्ति का अनुभव होता है। वो पहले उसको अनुभव करती थी फिर देती थी, इसलिए शक्ति का अनुभव होता है। तो चिंतन करना, मनन करना, और ज्ञान को सच में, सत्य में और शक्ति में परिवर्तन करना, तो कितना अच्छा था। ओम शांति। तो अभी पूर्वज आत्माओं की शेयरिंग अव्यक्ति यात्रा में। तो भूमि बहन कह रहे हैं आप सबका स्वागत है अव्यक्ति यात्रा में। तो अभी हम सुनेंगे एंसेस्टर्स की शेयरिंग, ताकि हम सबको संपन्नता के लिए प्रेरणा मिले। हम लोग जरूर बहुत अलग अलग देशों से आए हैं, अलग अलग कल्चर से आए हैं, लेकिन हमें सबके लिए सम्मान है और समझते हैं हम हर एक को। लेकिन हमारे दिल में क्या है जिससे कि हमें ये सुंदर अनुभव हो। वाओ, एक संपन्न फरिश्ता। Time kehta hai tum baithe ho shant karke. God is indicating to us, you're sitting there peacefully doing nothing. Bhagwan kehta hai ye karne ka, tum ye kar. And God says, well, this is what needs to be done, so get on with it. Samay aisa hai. Such is the time that we live in right now. Bhagwan kehta hai ye karna hai, samay kehta hai ab kar le. God says to us, this is what you have to do, and time says to us, do it now. To nimit banna mana, samay aur baap ki baat ko dhyan par rakhna. To be an instrument means that I have the awareness of time, and I also have the awareness of what God tells me. Aur nimrata bhav se safalta saath deti hai. And it's with the feelings of humility that success actually becomes my companion. Zara bhi main pan ka abhiman hua to bhagwan dur ho jayega, main akeli kuch nahi kar sakenge. If there's slightest bit of ego of I, then God will become distant from me and I won't be able to do anything. To sukhyam, hamare sare bhagavad gita ka sar bhi ye hai, main abhiman ko chhod. The essence of the Gita and the Bhagavad scriptures in India is that let go of the ego of I. Man ko shuddh shant banaye. Make your mind pure and peaceful. Buddhi mein ishwari gunon ko dharan kar. Enable the intellect to develop God's virtues. To adharm ka khalas ho jaye. So that irreligiousness can finish. Paap khalas ho jaye. Sin can finish. Dharma sthapan ho jaye. And there can be the establishment of righteousness. शांति और प्रेम, खुशी और शक्ति दुनिया में आवाज दुनिया में ऐसे होवे जो एकदम समझे ये वायुमंडल वाइब्रेशन बड़े पावरफुल है। पीस एंड लव, हैप्पीनेस एंड पावर शुड बी सच इन द वर्ल्ड दैट दैट वाइब्रेशन रीचेस एवरीवेयर। ओके, थैंक यू डैड। कार्य से भी अटैचमेंट नहीं है। नो अटैचमेंट टू द टास्क्स दैट वी हैव टू परफॉर्म आइदर। वो करा रहा है ना। God's the one who's enabling everything to happen. God,
time is indicating that अभी, this is what I have. समय और भगवान के बीच में बैठे हैं ना. We are sitting in between time and God. कैसे भूल उपकृत रहेगा तुमसे दादी संसार सारा कैसे भूलेगा दादी दैवी परिवार प्यारा उपकृत रहेगा तुमसे दादी संसार सारा सद्गुणों से किया है श्रृंगार कितना कोई क्या दे सकेगा दिया है दुलार जितना दादी ओ मीठी दादी किया हमको प्यार कितना किया हमको अब आगे क्या करना है लेकिन हमेशा सूक्ष्म रूप में स्थूल रूप में हर रूप में देखना है कि जो भी हमारी जिम्मेवारी है जो भी हमारी ड्यूटी है तो वो तो लाइफ का रूटीन है ही बट अंदर में रूहानियत आध्यात्मिकता अलौकिकता स्वयं के लिए वो चिंतन वो मंथन वो बहुत जरूरी है तो विचार लो और उसको बांटो आपस में अच्छा चलो अभी बाबा को याद करेंगे और शुक्रिया कि हम दादी को हमेशा देख पा रहे हैं सामने लाते हैं और उनसे शक्तियां प्राप्त करते हैं शांति सदा बाबा के प्यार को अनुभव करो ईश्वर